हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल कीनोट्स होम्योपैथी पे आप सबका स्वागत करता हूँ। इस बार मैं एक नया सीरीज लेके आया हूँ पब्लिक के लिए, हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड सीरीज। इसमें पब्लिक को वो सारी बेसिक जानकारी दी जाएगी जो जनरली पब्लिक को नहीं पता होती है कि भारत में कितने प्रकार की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनकी कौन कौन सी डिग्रियाँ होती है, कैसे हम डिग्री देख के पहचानेंगे कि हम झोला छाप के पास जा रहे हैं या डिग्री वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उन चिकित्सा पद्धतियों में क्या अंतर है, कौन सी चिकित्सा पद्धति किस तरह के इलाज के लिए अच्छी होती है, ये सारी बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी। और उनमें और क्या क्या अंतर होता है, वो सारी चीज़ें जो एक आम नागरिक के तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि आपको कौन से समय पर कौन सा इलाज लेना है, किस चिकित्सा पद्धति में, ताकि आपकी जमा पूंजी और आपकी सेहत दोनों बर्बाद ना हो। क्योंकि जनरली लोग यही गलती करते हैं जिसके वजह से उनकी जमा पूंजी और सेहत सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जो फिर वापस कभी लौट के नहीं आता है। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है जो हर एक भारत के नागरिक को पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। भारत में डॉक्टर्स की जो डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, वो 5.5 साल की होती है। और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रेशन लाइसेंस डॉक्टर की 7 डिग्री सिर्फ होती है इंडिया में, 7 से ज़्यादा 8वीं डिग्री कोई नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके 7ों के बारे में बताऊँगा। यहाँ पे पहले नंबर पे है MBBS यानी एलोपैथी, जिसमें अंग्रेजी दवाओं से इलाज होता है। नंबर 2 पे है BDS यानी डेंटल, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। इनका कोर्स लेकिन 5 साल का होता है, 5.5 का नहीं होता है। अब इसके बाद जो बाकी की 5 चिकित्सा पद्धतियां हैं वो आयुष के अंतर्गत आती हैं, यानी मेडिकल साइंस ऑफ नेचुरल ट्रीटमेंट, जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं। यहाँ पे आयुष का मतलब जो है AYUSH, इसी अल्फ़ाबेट के क्रम में मैंने यहाँ पे इनको लिखा है, जो एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। आप BAMS यानी आयुर्वेदा, इसमें आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज होता है। BNYS यानी नेचुरोपैथी एंड योगा, इसमें योगा से मैनेजमेंट दिया जाता है ट्रीटमेंट के तौर पे, इसमें दवा नहीं दी जाती है। BUMS यूनानी, ये एक यूनानी चिकित्सा पद्धति है जो यूनान से संबंधित है और ये मुस्लिम कल्चर में इसमें कुछ लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। BSMS सिद्धा, मैंने आज तक इसका कोई डॉक्टर देखा नहीं इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा इसके बारे में। नेक्स्ट है लास्ट BHMS होम्योपैथी, जो आयुष की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, इसमें आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी, ये 3 चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं। लेकिन आयुर्वेदा और यूनानी में एलोपैथी दवाएं देने के छूट मिलने के बाद से अभी इसमें प्योर आयुर्वेदिक इलाज या प्योर यूनानी इलाज मिल पाना मुश्किल हो गया है। अभी बहुत ढूंढने से इनके डॉक्टर मिलते हैं जो प्योर इलाज देते हैं प्राकृतिक, जो पुराने वैद्य हैं या उनके शिष्य हैं या उनसे सीखे हुए हैं, तो 1-2% लोग ही अब ऐसे रह गए हैं, बाकी सब एलोपैथी दवा ही दे रहे हैं। तो आप इसमें अगर ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अंदर क्या दिया जा रहा है आपको भी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ होम्योपैथी ही एक चिकित्सा पद्धति है जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसमें अभी तक एलोपैथी दवाओं को नहीं मिलाया गया है सरकार द्वारा। और यहाँ पे सिर्फ BDS को छोड़ के, डेंटल यानी दांत के डॉक्टर को छोड़ के, बाकी और BNYS योगा को छोड़ के, जिसमें दवा नहीं दी जाती, सिर्फ योगा से
मैनेजमेंट दिया जाता है ट्रीटमेंट के तौर पे, इन दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पद्धतियों में सर से लेके पांव तक हर बीमारी का इलाज होता है। एक छोटे से फोड़े से लेके कैंसर तक की बीमारी तक का इलाज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पद्धति में अपने इलाज के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे सारी पद्धतियों में इलाज है, सिर्फ दो पद्धति को छोड़ के दवा से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर्स के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कौन कौन से हैं भारत में। 6 कोर्स हैं जिसमें से 4 क्लिनिकल हैं और 2 नॉन क्लिनिकल हैं। नंबर 1 पे है इस पे MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये एलोपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी में होता है। आयुर्वेदी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी वाले ब्रैकेट में आयुर, यूनानी, सिद्धा, होम लिखते हैं MD के साथ। 2nd नंबर पे है MS, जो जनरल सर्जन होते हैं, ये उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। MDS जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर, ये उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। DNB यानी डिप्लोमा कोर्स इन सम एलाइड सब्जेक्ट्स। इसके बाद 2 नॉन क्लिनिकल कोर्स हैं, MSc नॉन क्लिनिकल कोर्स इन सम एलाइड सब्जेक्ट, जैसे कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, FMT, इस तरह के कोर्स, और MPH यानी 2 ईयर्स नॉन क्लिनिकल कोर्स इन PSM। तो ये 6 कोर्स में जो ऊपर के 4 कोर्स हैं उसमें पेशेंट को देखने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनके ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है ग्रेजुएशन के बाद, और अच्छी तरह से साथ ही साथ एकेडमिक लेवल में भी काम आते हैं कोर्स। लेकिन नीचे के 2 कोर्स सिर्फ एकेडमिक लेवल के हैं, पेशेंट की ट्रेनिंग उसमें नहीं मिलती है देखने की। अब आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद और कौन से कोर्स हैं इंडिया में। तो 3 साल का सुपर स्पेशलिटी कोर्स और PhD कोर्स इंडिया में है, जो सिर्फ अभी एलोपैथी में ही है मान्यता प्राप्त, और किसी भी पद्धति में मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें नंबर 1 पे है DM डॉक्टरेट इन क्लिनिकल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स, यानी इसका मतलब हुआ कि DM इन न्यूरोलॉजी, DM इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, DM इन कार्डियोलॉजी, DM इन हेमाटोलॉजी, DM इन एंडोक्राइनोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये मेडिसिन का कोर्स है सुपर स्पेशलाइजेशन का। इसके बाद आता है MCH हायर सर्जन इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स, यानी जैसे न्यूरो सर्जन होते हैं, कार्डियो सर्जन होते हैं, ठीक है, कैंसर के सर्जन होते हैं, इस तरह के जो सर्जन होते हैं वो इसमें आते हैं। ये 2 जो मैंने बोल्ड किए हैं, ये इसीलिए बोल्ड किए हैं क्योंकि ये क्लिनिकल कोर्स हैं। इसमें पेशेंट को बेड साइड देखना और उनको इलाज देना सिखाया जाता है। ये बहुत ही फाइनर लेवल के कोर्स होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कराए जाते हैं। इसके बाद जो 3rd कोर्स है PhD, वो डॉक्टरेट इन नॉन क्लिनिकल फिलॉसफी सब्जेक्ट्स में होता है। इसमें कोई ट्रीटमेंट करना नहीं सिखाया जाता है बेड साइड पेशेंट का, ये सिर्फ एकेडमिक लेवल पे काम आता है कोर्स। तो ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलिटी के जो मैंने कोर्सेज आपको बताए और PhD के, ये हमारे देश में किन किन पद्धतियों में हैं ये आपको पता चला। हाँ, लेकिन साथ में कुछ लोग कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, कुछ डिप्लोमा कोर्स अपने डिग्री के साथ लिखते हैं, तो वो साइड बाय साइड किया जाता है, जिनको 1 साल 2 साल या मैक्सिमम 3 साल की ट्रेनिंग तक करने के बाद मिलता है। तो ऐसे भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी लिखी हुई, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो है यहाँ पे ग्रेजुएशन। ये ज़रूर देख लीजिएगा कि इन 7 में से आप जिस चिकित्सा पद्धति में जा रहे हैं उसकी डिग्री लिखी है कि नहीं, क्योंकि अगर इनमें से लिस्ट में से कोई नहीं है तो ये समझ जाइए कि कोई भी ABCDXYZ वो झोला छाप है, उस नाम की कोई भी डिग्री नहीं होती है। तो जिस तरह से आप अपना केस खुद कोर्ट में नहीं लड़ सकते, अपने कपड़े खुद सिल के आप नहीं पहन सकते, अपने जूते खुद बना के आप नहीं पहन सकते, तो फिर उस आप अपना इलाज खुद कैसे कर सकते हैं। इसके लिए तो नॉलेज की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, क्लिनिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बेड साइड पूरी पढ़ाई होती है,
कम से कम 5.5 साल की, MD किया तो उसके बाद 8.5 साल, उसके ऊपर गए तो और ज़्यादा टाइम लगा। ये आप 5-10 मिनट गूगल करके कभी नहीं सीख सकते, और अगर ये आप करते हैं तो ये आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। एक पढ़े लिखे इंसान के तरह सोचिए, समझिए और डिग्री देख के इलाज कराइए अपना और अपने परिवार के लोगों का, क्योंकि मैं गांव में ही नहीं शहरों में भी लोगों को ये गलती करते हुए देखता हूँ कि वो डिग्री देखे बिना ही झोला छाप लोगों के यहाँ भीड़ लगाए रहते हैं। फिर उनके पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है, तब तो गवार ही उनको होना चाहिए था। तो इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए और अपने स्वास्थ्य के साथ किसी को खिलवाड़ मत करने दीजिए, क्योंकि उनका किया गया खिलवाड़ आपको ज़िंदगी भर का नुकसान दे सकता है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि खुद जाके मेडिकल स्टोर से दवा खरीद के खाने लगते हैं कुछ पैसे बचाने के लिए। वो जो कुछ पैसे आप बचाते हैं वो बाद में एक बड़ी बीमारी बन जाती है और सारी घर की जमा पूंजी लेके चली जाती है, और इंसान या तो बच जाता है या तो मर जाता है। तो ऐसी भी हालत में अपने आप को या अपने परिवार को मत डालिए अपनी लापरवाही और कंजूसी की वजह से। तो जिसका जो काम है उसे ही करने दीजिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।